जिनका कौमी नारे आप में भरपूर जवाब देना है मुनज़्ज़म तरीके से जाएंगे वज़ीर आला अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ एक जुबान है और जिस तरह को अपनी आर्टिकल 370 के नारे गूंज रहे हैं और आज अब पीटीआई के सूबाई सदर सरदार यार मोहम्मद रहम साहब को और ये जो सामने खड़े इनके गुजारिश है कि ये गाड़ियां पीछे थोड़ी सी करके ताकि वो बाद में तकरीर रख लेते हैं। मैं जो है खालिक हजारा डेमोक्रेट पार्टी के सदर को जो है दावत खिताब देता हूँ। तो आज का पैगाम पाकिस्तान की तरफ से बल्कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं जो कश्मीर से जो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, आज उन्होंने बल्कि इस पूरे एहतजाज के हवाले से इस बात को बड़े हकीकी मानों में जाहिर किया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जब वतन अजीज की बात आती है, जब कश्मीर की बात आती है, तो इस कौम के अंदर एक यकजहती का पैगाम, एक मुजाहरा और एक इस तरह का वलवलानाज तरीका अपनाया जाता है कि जो इसकी मिसाल किसी भी हवाले से नहीं मिलती। यकीनी तौर पे हमारी कौमें हैं, यहाँ हर किस्म का, यहाँ हर किस्म के लोग अपने मामलात, अपने सियासी मामलात के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं और शायद दुनिया में एक तासुर जाता है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर चीजों पे और मामलात में इत्तेफाक नहीं। और ये बार हमारे दुश्मनों की बड़ी भूल रही है कि जो कई दिहाइयों से ये कोशिश में रहे हैं कि पाकिस्तानियों में इत्तेफाक खत्म किया जाए, पाकिस्तानियों में फूट डाली जाए ताकि वो पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में तितर बितर नजर आए, लेकिन हमारे दुश्मन इस बात को भूल गए कि इस कौम में एक ऐसा जज्बा है कि जब पाकिस्तान की बात आती है और जब कश्मीर की बात आएगी आप इस कौम में एक इत्तेफाक देखेंगे और एक यकजहती देखेंगे। और ये मुजाहरा जो चंद कुछ माह से चल रहा है इस बात की तस्दीक करता है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। हर लिहाज से खड़ी है, हर लिहाज से कुर्बानी के लिए खड़ी है, चाहे वो हमारे यहाँ किसी भी पैमाने पे हो, बैरूनी हवाले से हो। आज पाकिस्तान, पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने दुनिया में इस जिम्मेदारी को जिस एहसन अंदाज से पूरा कर रहे हैं इसकी मिसाल माजी में किसी भी हवाले से नहीं मिलती। और इंशाल्लाह ताला इस पूरे कैंपेन ने आज मोदी सरकार, आरआरएस और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को एक चीज बड़ी आसानी से वाजे कर दिया है और वो ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आलमबरदार बनता है जमहूरी सियासी नजरियात को सामने रखते हुए दुनिया को हमेशा अमन का पैगाम देना चाहता है, जो दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी अक्सरियत जमहूरियत में रखती है, लेकिन आज एक बात बहुत वाजे हो गई है कि इस जमहूरियत का ढोस हमेशा की तरह सिर्फ लफाजी है। हकीकत में जिन जिन लोगों के हकूक उस मुल्क में है वो सब पामाल हुए हैं, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो। यहां तक कि मैं कहूंगा कि भारत के अंदर जितने हिंदू दोस्त भाई भी हमारे हैं वो भी इस आरएसएस के इस तरीके से बहुत
दूर हैं और इससे अपने को किनारा कश रखते हैं, लेकिन आज मोदी सरकार और उनकी बीजेपी पार्टी ने जिस तरह का एक कब्जा किया है भारत पे अपनी सियासी हवाले से, वो ये बावर कराना चाहती है कि भारत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी और सियासत अगर होगी, इन चंद लुटेरों की और दहशत गर्दों की होगी। तो आज आवाज भारत से भी निकल रही है, आज कश्मीर से भी निकल रही है, और इंशाल्लाह ये अभी आवाज भारत के कोने कोने से निकलेगी और उनके खिलाफ भी निकलेगी। हमने हमेशा दुनिया को यह बावर कराया है कि पाकिस्तान ने कभी गैर जानिबदारी का मौके सामने नहीं रखा, बल्कि हक की आवाज रखी, और हक की आवाज आज गवाही बन के पूरी दुनिया के सामने है, और अब ये गवाही भारत के अंदर से निकलेगी, और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है अब इंशाल्लाह कश्मीर को कोई भी तरीके से न तो उसकी खुद मुख्तारी के हवाले से और न ही पाकिस्तान के हवाले से दूर कर सकता है। मैं आप सब दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम सब के हवाले से, हम दोस्त सारे जो यहाँ मौजूद हैं, हम हर लिहाज से अपने कश्मीरी भाइयों के लिए जो पैगाम देना चाहते हैं, इस बच्चे की जुबानी आज हमने सुनी। आज इस कौम में बच्चा बच्चा, बूढ़ा नौजवान, ख्वातीन, दोस्त, हर किस्म का इंसान एक ही पैगाम देता है कि वो हर लिहाज से, हर मोड़ पे, हर हवाले से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे हम जिस हवाले से भी हमें जाना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को आज बलूचिस्तान के लोगों ने बलूचिस्तान के कोने कोने से, और खासकर मैं शुरू का इस रैली में जितने भी लोग आज आए हैं सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब के लिए जिम्मेदारी हर लिहाज से बड़ी जरूरी है कि इस कठिन मौके पे, इन मुश्किलात में हम अपने कश्मीरी भाइयों को हर किस ना भूले हैं, और इंशाल्लाह हमारा पैगाम है कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह इस हवाले से हमेशा आगे आगे रहेगा और इस पैगाम को हर लिहाज से आगे की तरफ बढ़ाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। जिस तरह से 14 अगस्त को ईद के तीसरे दिन पाकिस्तानी आवाम ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि हम उस दिन को 14 अगस्त की खुशियों को जो है यौम यकजहती कश्मीर के साथ मनसूख करते हैं, और उसमें आपने देखा कि लाखों लोग जो है मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से अपनी खुशियाँ छोड़ कर वो इसहारी यकजहती के तौर पर यहाँ पे जमा हुआ है, और जान साहब की क़्यादत में एक बड़ा जलसा भी हुआ और इसहारी यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया गया। इसी तरह आज जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जुम्मे को भारत से भारत 30 पर जो है मतलब इसहारी यकजहती के तौर पर पाकिस्तानी आवाम मनाएंगे, तो इसका आज ये मुकम्मल सबूत है कि आज पूरे पाकिस्तान में अपने मासूम, बेगुनाह, नहते, मजलूम कश्मीरियों के साथ इसहार यकजहती करने हम जा रहे हैं, और ये इसका सबूत है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही थी कि साबिका हुकूमतों में कश्मीर के मसले को जिस अंदाज से उठाने के हवाले से हो, और खसूसन ईद के दिन नमाज ईद न पढ़ाने के हवाले से हो, उन्होंने नहीं छोड़ा। यानी दुनिया की हर वो बर्बरियत, हर वो सफाकियत आज मासूम बेगुनाह कश्मीरियों पर रवा रखा गया है। इंडिया मोदी सरकार जो यकीनी तौर पर एक जुनूनी है, और जुनूनी जो है मतलब इस खत्ते को जो है मतलब इनके अमन अमान को यहाँ तहवाला करना चाहते हैं, यहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि इस खत्ते के आवाम बाशऊर हो चुके हैं, वो इक्तसादी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं, वो कभी भी आपकी जो है मतलब उस जुनूनियत के बहकावे में नहीं आएगा। आपने कश्मीर की जो खसूसी हैसियत ख़त्म करके आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म करके ये बावर कराया है कि आपके अंदर न सेकुलरिज्म है और न आपके अंदर जो है मतलब डेमोक्रेसी है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह ताला कश्मीर में आपने एक बुरहान वानी को जो है शहीद करके आज लाखों बुरहान वानी वहाँ पे पैदा हुए हैं। जबर से आप कभी भी जो है मतलब कश्मीरियों को दबा नहीं सकेंगे। आज आप देख रहे हैं कि कश्मीरी इंतहाई मुखलिसाना अंदाज से
आपके कर्फ्यू को तोड़कर जो है वो अपना एहतजाज दुनिया में रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मेरा मुतालिबा सिक्योरिटी कौंसिल अक़वामे मुत्तहिदा बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतों से है कि वो कश्मीर की इशू को सीरियस लें और इनके खिलाफ मोदी सरकार को उनके करतूतों से बाज रखे। थैंक यू वेरी मच। खबर पाकिस्तान पाकिस्तान जी मुजाहरे में बलूचिस्तान के तमाम तबके फिक्र शामिल है। कौमी मूवमेंट और ताजिक यूथ फोर्स की तरफ से भी काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और हम उनको उनके जोश और वलवले को कश्मीर के हवाले से सराहते हैं। अब मैं पीटीआई की तरफ से हमारे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मुबीन साहब को दावत खिताब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में सारी पार्टियों को सबको कहा कि कश्मीर के साथ एकजुटी बनानी है। आज हम कोई पार्टी कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ निकले हैं और कश्मीर भाइयों के लिए निकले हैं। और मोदी सरकार गलतफहमी में है कि हम हमारे ऊपर ये फौज दिखा के और हमें कमजोर करना चाहेगा। हम एक सुपर पावर एटम बम रखते हैं, ये हमने 14 अगस्त के लिए नहीं रखा है। ये गलत फहमी में रहेगा कि अगर ये कश्मीर पे कब्जा करेगा तो इंशाल्लाह हम एटम बम भी मार सकते हैं। ये इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान एक कमजोर, ये इनकी इकॉनमी कमजोर है, एटम बम हम चला सकते हैं और इंडिया को 3 मिनट के अंदर खत्म भी कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान आज हमारे यहाँ भाइयों को पूरी बलूचिस्तान में अगर कॉल करे कि जहाद के लिए आप तैयार है तो यकीन करें कि हजारों और लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाएंगे। मोदी सरकार तुम इस गलत फहमी में हो, हमें मौत में जन्नत नजर आती है। तुम्हारे लोग जो है फौज में जो 40,000 से ज्यादा लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमें कश्मीर ना भिजवाए।